तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के डिप्लोमा और फाउंडेशन के कुछ चेंज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप भी फाउंडेशन या फिर डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तब आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको ये सारे स्टूडेंट्स को ये मेल आया होगा जो कि आपका है इम्पोर्टेंट कोर्स पास फेल पॉलिसी इन डिप्लोमा लेवल। ओके, तो ये आपकी जो पॉलिसी स्टार्ट हो रही है आपकी मई 2024 से स्टार्ट होगी। तो अगर आप मई बैच के स्टूडेंट हैं तब आपके लिए एप्लीकेबल है, अगर आप उससे पहले ही डिप्लोमा में हैं तब आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो चलिए मैं बता देता हूँ उस मेल में आया क्या है, आईआईटी मद्रास ने हमें ये मेल क्यों भेजा है। ओके, तो ये इफेक्टिव मई 2024 द फॉलोइंग कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाएंगे मई 2024 से। ओके, फर्स्ट पॉइंट जो इन्होंने बताया है चेक वन में, कंप्लीट एटलीस्ट 3 कोर्सेज एंड 1 प्रोजेक्ट इन फर्स्ट 3 टर्म्स फॉर स्टार्टिंग ऑफ, मतलब कि आपको कम से कम 3 कोर्सेज और 1 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेने होंगे फर्स्ट 3 टर्म्स में अपने डिप्लोमा के। ओके, अगर आपने नहीं किया तब तक तो आपको एक वार्निंग आएगी। ओके, आई थिंक आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपको 3 कोर्सेज और 1 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं डिप्लोमा लेवल में, वो भी अपने 3 टर्म्स में। आपको पता है कि आईआईटी मद्रास में हमारे 3 टर्म्स होते हैं, एक टर्म 4 मंथ्स का होता है। तो आपको 3 टर्म में 3 कोर्सेज और 1 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं आपके डिप्लोमा के। ओके, ये आपकी क्राइटेरिया मई 2024 से लग रही है। तो आपका ये फर्स्ट, इन्होंने यही बताया कि आपको 3 कोर्सेज और 1 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं 3 टर्म में। ओके, अगर आपने नहीं किया तो आपको एक आईआईटी मद्रास वार्निंग देगा। ओके, सेकेंड वाले पॉइंट में इन्होंने बताया है कंप्लीट एटलीस्ट 6 कोर्सेज एंड 2 प्रोजेक्ट्स इन फर्स्ट 6 टर्म्स। ओके, तो इसी का डबल इन्होंने कर दिया है, आपको कंप्लीट करना होगा 6 कोर्स और 2 प्रोजेक्ट्स इन फर्स्ट 6 टर्म्स, नहीं तो ये आपको डिग्री से रिमूव कर देंगे। इफ नॉट दे विल बी रिमूव फ्रॉम द प्रोग्राम। ओके, तो आप देख सकते हैं आपको कैसे भी करके कंप्लीट करना होगा। अगर आप डिप्लोमा लेवल में जा रहे हैं मई बैच से, अगर आप डिप्लोमा लेवल में स्टार्ट कर रहे हैं अपना कंटिन्यू करने वाले, तो आपको 6 कोर्सेज कंप्लीट कर लेने होंगे फर्स्ट 6 टर्म्स में। ओके, तो यहाँ पे आपको ये तीन टर्म आपको, मतलब 2 ईयर्स में आपको 6 कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे और अपने 2 प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करने होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, बाई चांस अगर आपका रह गया, आपकी बैक लग गई, ओके, देन आपको ये प्रोग्राम से रिमूव कर देंगे। सेकेंड पॉइंट भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया। थर्ड वाला पॉइंट एक बार मैं बता दूं आपको, कंप्लीट एटलीस्ट 9 कोर्सेज, उसी का फिर से डबल है। ओके, कंप्लीट एटलीस्ट 9 कोर्सेज एंड 3 प्रोजेक्ट्स, 9 टर्म में आपको 9 कोर्सेज कंप्लीट करने और 12 टर्म में आपको 12 प्रोजेक्ट्स और फोर, मतलब सॉरी, 12 कोर्सेज और 4 प्रोजेक्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, तो आपको टर्म वाइज 1 कोर्सेज कंप्लीट करने हैं यहाँ पे, यही साफ साफ इनका कहने का मतलब है। अगर आपने नहीं कंप्लीट किया देन आपको ये डिग्री से रिमूव कर देंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। या आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया याद रखना, अगर आप फाउंडेशन में स्टूडेंट हैं तब भी, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट होने जा रहे हैं तब भी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया देन आपको कोर्स से रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, आपकी ईमेल आईडी बंद कर दी जाएगी और आपको कोर्स से रिमूव कर दिया जाएगा। आई थिंक आपको ये तीनों पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स कंप्लीटली क्लियर हो गए होंगे कि आपको 3 कोर्सेज कंप्लीट करने हैं 3 टर्म में विथ 1 प्रोजेक्ट, 6 कोर्सेज कंप्लीट करने हैं 6 टर्म में विथ 2 प्रोजेक्ट। इससे आप ज्यादा भी कर सकते हैं बट इससे आप कम नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे वही लिखा है, नंबर ऑफ टर्म्स इन विच 2 डिप्लोमा शुड बी कम्प्लीटेड। आपके यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने दे दिया है कि आपके 12, यहाँ पे दिया है 12 टर्म्स में आपके कैसे भी दोनों डिप्लोमा कम्प्लीट हो जाने चाहिए। ओके, यहाँ पे उन्होंने वही बताया है, दिस इज एप्लीकेबल एंड एक्सटेंडेड फॉर ऑल स्टूडेंट्स करेंटली इन डिप्लोमा लेवल ऑल्सो। ओके, तो ये करेंटली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल हो जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया, दिस इज एप्लीकेबल एंड एक्सटेंडेड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स करेंटली इन डिप्लोमा लेवल आल्सो। ओके, फाउंडेशन के लिए भी कुछ ऐसी ही क्राइटेरिया है। आई थिंक आपको पता होगी फाउंडेशन को आपको 9 टर्म्स में कंप्लीट करना है, अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं देन आपको ये कोर्स रिमूव कर देंगे। ओके, फाउंडेशन के लिए मैंने बता दिया। और एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, चेंज इन सीसीसी क्रेडिट क्लियरिंग कैपेसिटी। ओके, तो अब आप अपने हिसाब से कितने भी मन कोर्स ले सकते हैं। अगर आपके 2 CCC बन रहे हैं तब भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से 4 कोर्सेज ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अब रिकमेंड वो करेंगे बट आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आपको बस एक ही 2 कोर्स लेना है। जैसे कि स्टूडेंट्स का कम सीसीसी रहता था तो उनको 2 कोर्सेज बस मिलते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप 3 लेना चाहते हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं, अगर आप 4 लेना चाहते हैं तो 4 भी ले सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे एनफोर्समेंट अब नहीं होने वाला है, रिकमेंड आपको वहां पे करेंगे तो आपको रिकमेंडेशन बस मिलेगा कि आप दो ही लीजिए, बट अगर आपका मन है कि मैं ज्यादा पढ़ लूंगा ओके तो आप कर सकते हैं, आप 3 कोर्सेज ले सकते हैं ओके। तो ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट एक और ये चीज था, आई थिंक आपको ये चीज भी अब क्लियर हो गया होगा, तो आपके लिए ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है, बट आपको इन सारे पॉइंट्स पे एक बार ध्यान देना पड़ेगा ओके। कि अगर आप डिप्लोमा में जा रहे हैं तो आपको 3 कोर्सेज कंप्लीट करने हैं 3 टर्म्स में, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आपको डिग्री से रिमूव कर दिया जाएगा इन सारे केसेस में ओके। आई थिंक आपको सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। द सोल रिक्वायरमेंट इज कंप्लीशन और 8 फाउंडेशन लेवल 9 टर्म्स, जैसे कि मैंने आपको फाउंडेशन को बताया, फाउंडेशन को भी आपको 8 आपके फाउंडेशन लेवल के कोर्सेज होते हैं, आपको 9 टर्म्स में कैसे भी कंप्लीट करना है, नहीं तो आपको डिग्री से रिमूव कर दिया जाएगा। या इफ यू डू नॉट कंप्लीट द 8 कोर्सेज इन 9 टर्म्स यू विल बी रिमूव फ्रॉम द प्रोग्राम। तो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला पूरा पॉइंट, और आपकी जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इंपॉर्टेंट हो गया। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और यहाँ पे आपको अब क्रेडिट क्लियरिंग कैपेसिटी अब आपको रिकमेंड बस वो करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे कि आपको इतना लेना ही लेना है ओके। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसके रिगार्डिंग तो आप आगे कमेंट सेक्शन, लिंक्डइन, इंस्टा कहीं भी आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा ओके। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।